आप देख रहे हैं पीपीडी खबर। ये देखिए एम्बुलेंस का ड्राइवर है, तो साला दारू पिया, इसने बॉडी गायब करने की कोशिश की है। इसने गाड़ी में बॉडी लग के भागा है और इसे दूसरी गाड़ी से पकड़ा है हमने। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है। यहाँ शहर के एक झोला छाप डॉक्टर ने एक प्रसूता की जान ले ली। इतना ही नहीं, इस हॉस्पिटल की एम्बुलेंस का चालक शव को गायब करने के लिए एम्बुलेंस से लेकर भाग रहा था। शव को गायब करने की साजिश पर परिजन भड़क गए और उन्होंने एम्बुलेंस का पीछा करके शराबी चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की। क्लिनिक का पूरा स्टाफ मौके से फरार हो गया। परिजनों ने मृतका का शव हॉस्पिटल के गेट पर रख कर काफी देर तक हंगामा काटा। सूचना पुलिस को दी गई, मगर ये वीडियो अपलोड होने तक कोतवाली पुलिस मौके वारदात पर नहीं पहुंची। आइए बात करते हैं मृतका के पति से। एटा से शिव कुमार पाठक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर व लाइक करना ना भूलें। सुधीर जी, आप यहाँ खड़े हैं आज श्रीराम हॉस्पिटल, क्या मामला है? मामला ये था, हम घर से अपनी मैडम को सुरक्षित लेके आए थे, चल के आई थी, यहाँ पर लेके आए थे तो बोले थे ऑपरेशन हुआ, तो मैंने कहा ठीक है, खर्चा बताया तो 20,000 खर्चा हुआ, मैंने ठीक है 20,000 जमा कर दिया हमने। उसके बाद जब इन्होंने ऑपरेशन किया तो बच्ची हमको दे दिया, बोले फिर बाद में क्या दौड़ा पड़ना है, ठीक है फिर वो एक्सपायर हो गई वहीं। उसके बाद फिर उन्होंने बोला आगरा रेफर करना पड़ेगा, तो वो लोग अपनी गाड़ी वहाँ से लेकर आए, अपने खुद ही यहाँ गाड़ी में डाला और मैंने बोला कागज हैं, तब तक कागज मैं लेने गया, मैं कागज लेके आता हूँ, तब तक वो कागज गाड़ी लौट के आया, मैं गाड़ी चली गई, कागज भी नहीं मिले हमको अंदर से। नहीं तो आपको बिना बताए डेड बॉडी रेफर किया गया यहाँ से? डेड बॉडी यहीं पर एक्सपायर हो गई थी। अच्छा, वो आपकी पत्नी यहीं एक्सपायर हो गई, उसके बाद एक्सपायर होने के बाद रेफर किया है? हाँ। मतलब धोखा दिया है आपको? हाँ, धोखा दिया है यहाँ से हमको। तो अब आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं हम तो।